हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने भाजपा चुनावी घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की है। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में प्रवीण शर्मा ने कहा कि बीजेपी संकल्प पत्र से गरीब वर्ग को एक सहारा मिलेगा तो पार्टी ने कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि समय पर रेल हमीरपुर पहुंचेगी तथा इस पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा जो हम करते हैं वे करके दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरह शोशेबाजी नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रदेश कैबिनेट के मंत्री अनिल शर्मा पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र आने वाले समय में मेन देश के विकास का रोड मैप बनेगा। गरीबी हटाने के लिए किसी भी पार्टी ने ठोस कार्य आज तक नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चलाई हैं। प्रवीण शर्मा ने कहा कि देश की समृद्धि, आतंकवाद, सुरक्षा व शांति को लेकर भाजपा ने अपना दृष्टिकोण साफ रखा है। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों के लिए 2022 तक आय को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र नए भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक रोड मैप है। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र त्रि भी मौजूद रहे। हमीरपुर में चुनावों के नजदीक सियासी पारा चढ़ने लगा है और आरोप प्रत्यारोपों का जोर जारी हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस को रेल लाइन के मुद्दे पर बयानबाजी करने पर खरी खोटी सुनाई है तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने अनुराग ठाकुर को गुरु ज्ञान देते हुए झूठी राजनीति न करने की सलाह दी है। हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि आज बैकफुट पर पूरे देश में बीजेपी पार्टी है और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा कि अनुराग ने वायदा किया था कि हमीरपुर तक रेल पहुंचेगी, लेकिन वायदा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भी पता नहीं है कि रेल सर्वे हुआ भी है या नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक शोशे ही किए हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही सबूत दें कि अनुराग ने कब कहा था कि रेल पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अपने समय में कांग्रेसी भी बातें करते थे, लेकिन रेल लाइन 1973 से 1990 तक ऊना तक ही पहुंच पाई थी। प्रदेश के सबसे हॉट मानी जाने वाली हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के घोषणा के बाद पार्टी यहां एक्टिव होने लगी है। हालांकि संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी ने सोमवार से अपने रोड शो शुरू कर दिए हैं, लेकिन पार्टी का पार्लियामेंट्री में सही मायने में चुनावी शंखनाद 14 अप्रैल को हमीरपुर से होगा। डीसीसी प्रेसिडेंट हमीरपुर ने बताया कि कांग्रेस 14 अप्रैल को हमीरपुर में पार्लियामेंट्री का जनरल हाउस करने जा रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा संसदीय क्षेत्र के सभी 17 हलकों से विधायक, पूर्व विधायक, पीसीसी, डीसीसी और बीसीसी के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। पपरोला रेलवे स्टेशन में बठिंडा से आई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF 7 में बटालियन की टीम ने रेलवे स्टेशन पपरोला में मॉक एक्सरसाइज ट्रेन एक्सीडेंट का रेस्क्यू करके उन्हें तुरंत उपचार उपलब्ध करवाया। GRP और आम नागरिकों को आपदा प्रबंधन का जीवंत प्रदर्शन करके दिखाया गया। NDRF के जवानों ने आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा में रेस्क्यू के तरीकों को उदाहरण सहित बताया।
राजनाथ के स्थानीय एसडीएम रामेश्वर दास की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे विभाग, फायर ब्रिगेड विभाग, स्थानीय पुलिस व रेलवे पुलिस, अस्पताल के डॉक्टर तथा इसके अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ ने लोगों की शंकाओं का समाधान भी किया। चैत्र नवरात्रों के चलते नैना देवी के समीप पंचायत मठियाली के गांव नमियाला नामक स्थान में एक मोड़ पर एक इनोवा गाड़ी ने एक 5 वर्षीय बच्चे को कुचलकर उसे मौत के आगोश में हमेशा के लिए सुला दिया। जब पादों के परों में स्कूल की छुट्टी होने पर गांव के बच्चे अपने घरों को जा रहे थे, तो एक मोड़ पर नैना देवी की तरफ आ रहे एक श्रद्धालु की इनोवा गाड़ी, जो कि माता नैना देवी जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे, ने पहली कक्षा में पढ़ रहे 5 वर्षीय बच्चे विनोद सुपुत्र देवी चंद निवासी गांव नमहैला को टक्कर मारकर उसे कुचल दिया। परिणाम स्वरूप बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को नैना देवी की तरफ भगा दिया, परंतु जल्दी ही पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया।